इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें बोला गया है कि 10^-12 मतलब पीको सेकेंड्स होता है, मतलब पीको की बात करें 10^-12 सेकेंड को कैसे लिखेंगे इन चार ऑप्शन में से, तो मुझे बताइए 10^-12 को अगर मैं 10^-6 इंटू 10^-6 इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो चल जाएगा राइट, या फिर 10^-6 लिखूंगा और ये बचेगा 10^-6, तो इसको तो मैं माइक्रो बोल सकता हूं ना, तो क्या मैं 10^-6 माइक्रो सेकेंड लिख सकता हूं? सही बात है, तो मिल गया हमको आंसर पहले में। अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांटता, जैसे मैंने बोला था ना ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 10^-4 मैंने इसमें से निकाला तो कितना बचेगा इसके पास, 10^-8 बचेगा, -8 तो कुछ बोलते ही नहीं हम राइट, तो इसमें से कोई आंसर, सब आंसर्स माइक्रो माइक्रो में बोले गए। अगर मैं 10^-2 निकालता इसमें से तो मेरे पास कितना बचता, 10^-10 बचता, तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब माइक्रो में बोला गया। तो माइक्रो कितना होता है, माइक्रो होता है 10^-6, ठीक है, और बचा कितना, 10^-6 और बचा, तो आप, और अगर आप डी ऑप्शन भी देखते हैं तो आप में क्या बोल सकते हैं इसमें, कि अगर इसमें से 10^-8 बचता है तो 10^-4 बचेगा राइट, 10^-4 मतलब तो माइक्रो नहीं होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि वही जो बात बोल रहा था मैं कि चलो जरा दिस कि 10^-6 मैं निकाल लूंगा, बचेगा कितना, 10^-6 बचेगा, ठीक है, समझ में आया, तो इसको बोला था माइक्रो, 10^-6 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, समझ में आ रही बात, अब इसको रखिए, ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लोग इस चीज को, कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए आपको एक सवाल दिया गया है, ठीक है, 2 kg m² / s² शुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये ऐसा यूनिट में दिया गया है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में लिखना है, सेकेंड्स को सेकेंड्स में लिखना है, तो मतलब डिनोमिनेटर ये इसको चेंज नहीं कर, तो अपनी टेक्निक है, मतलब इजी फॉर्म में लिखना है इसको पहले, कैसे लिखेंगे, 2 × 1 kg × 1 m² / 1 s² सही है ना, (1 m² / 1 s² सो नाउ क्या हो जाएगा, 2 × 1 kg मतलब कितना, 1000 grams, सही मालूम है, बचपन में पढ़ा होगा। अब 1 m मतलब कितना, 100 cm, सही है सीजीएस यूनिट के लिए, तो 1 m² चाहिए हमें, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 m² का स्क्वायर, अब ये 100 का स्क्वायर × cm² का स्क्वायर, सही बोल रहा हूं है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 m² = 10^4 cm, सही बात है, है ना, सो 1 m² = 10^4 cm², ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, देन क्या हो जाएगा बोलो,
अगर ये आपने लिखा तो आप यहां पे पुट कर सकते हो, सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है सीजीएस यूनिट में, राइट, हमें उसको कन्वर्ट नहीं करना है, तो यहां पर आ जाएगा 1 मीटर की जगह आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर की जगह आ गया, 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेकेंड की जगह तो 1 सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट ऑल द यूनिट्स टू द वन साइड एंड द रिमेनिंग पोर्शन विल बी 2 × 10^3। इसको मैं 10^3 लिख रहा हूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 10^4, क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10^3 + 4, कितना हो जाएगा 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर / सेकेंड स्क्वायर, सही बोल रहा हूं क्या मैं, तो दिस विल बी योर आंसर। आपने कन्वर्ट कर दिया, जो आपको चाहिए था आपको मिल गया, तो हो गया बस, ठीक है। चलो लिख लो, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्या कि एक मास दिया हुआ है आपको 1050 kg और दूसरा मास दिया हुआ है 12 टन्स, कितना 12 टन्स, दो मास दिए हुए हैं आपको, इन दोनों को मिक्स करना है, इन दोनों मासेस को मिक्स करना है और टोटल मास निकालना है, लेकिन वो जो फाइनल आंसर होगा वो क्विंटल में चाहिए। तो एक चीज केजी में दी गई है, दूसरी चीज टन्स में दी गई है, और आपको बोला है कि आंसर क्विंटल में होना चाहिए। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा है, जिसको जिन्होंने नहीं देखा है वो बाकी के पुराने वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो हमें पता है कि 1000 kg मतलब 1 टन होता है, उसको 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन बोलते हैं। फिर 100 kg मतलब 1 क्विंटल होता है, हम क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 × 100 kg शुड बी इक्वल टू 1 टन, और 100 kg की जगह क्विंटल की वैल्यू डाल दो, इसका मतलब होता है 10 क्विंटल, 10 क्विंटल मतलब होगा 1 टन, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 10 क्विंटल मतलब 1 टन होगा। सुना, अगर ऐसी बात है कि 10 टन मतलब सॉरी 10 क्विंटल, 10 क्विंटल मतलब 1 टन होता है, तो इन दोनों को, इसको मास वन एंड मास टू दोनों को, हमें दोनों चीजें हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी क्विंटल्स में। तो देखते हैं, मास वन सॉल्यूशन लिखता हूं मैं यहां पे, क्या है सॉल्यूशन कि मास वन इज 1050 kg, तो कितना हो जाएगा 1050 × 1 kg, है ना। और 1 kg मतलब अगर मैं यहां से करूं तो 1 kg मतलब कितना होता है, 1 / 100 क्विंटल, सही है। तो मैं ये वैल्यू यहां पुट करता हूं, मतलब डिवाइड बाय 100 कर देता हूं इसको, तो 1050 × 1/100 क्विंटल, तो क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 10.50 क्विंटल, सही बात है ना, समझ में आ रही है बात। तो 10.50 क्विंटल इज द आंसर फॉर मास M1, ठीक है, ये बात लिख लो, ये फिर मैं इसी को मिटा के दूसरा लिखता हूं। क्वेश्चन समझ गया होगा आप लोगों को कि क्विंटल्स में हमको आंसर चाहिए, ठीक है। तो अब मास M2 है, ये तो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि मास M2 को हम लोग लिखते हैं 12 टन्स, तो क्या हो जाएगा 12 × 1 टन, 1 टन मतलब कितना हो जाएगा 10 क्विंटल, 1 टन ऐसा लिख सकता हूं, और 1 टन मतलब कितना होता है 10 क्विंटल, तो यहां पे 12 × 10 क्विंटल्स मैंने लिखा, ठीक है। सो दिस बिकम्स
120 क्विंटल। समझ में आया ये किसकी वैल्यू हो गई? मास M2 की, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो मिटाओ क्या ये लिख लो आप अपने बुक्स में। अगर ये मैंने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? टोटल सम M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो ये एक है 120 प्लस दूसरा है 10.50, दोनों क्विंटल में है तो कितना आ जाएगा? 130.50 क्विंटल। समझा? दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, आपको ऑप्शंस में दिखेंगे, जो मैं इसमें PDF डालूंगा वीडियो में उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको। चलिए ठीक है, सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर होता है क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड और उसका हाइट भी दिया हुआ है। तो उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है क्यूबॉइड का, एंड मास इज 200 ग्राम्स, राइट, और उसका डेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब वो कितना घना है ना, कितना डेंस है। हम बोलते हैं ना घना जंगल, है ना, पॉपुलेशन की डेंसिटी मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग भरे हुए हैं। इंडिया में जहां देखो वहां लोग ही दिखते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारा, पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी बहुत ज्यादा है, राइट। तो अगर हमें बोला गया है कि मास और डायमेंशन दिए हुए, तीनों डायमेंशन दिए हुए, कि लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, मतलब इस तरह का होगा कुछ। लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है ना, और ब्रेथ कितना है, तो ऐसा कुछ निकाल सकते हैं आप। हाइट ज्यादा लेता हूं, ऐसा कुछ होगा क्यूबॉइड, है ना, ये वाला जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। अब मास दिया है, वॉल्यूम निकालना है SI यूनिट में, अगर निकालना है हमें डेंसिटी इन SI यूनिट, है ना, मतलब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये भी सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाएगा। तो हम इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या आएगा इसका? वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, राइट। लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर इनटू 4 सेंटीमीटर इनटू हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देन 4 इंटू 2 इंटू 5, तो 4 5 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 तो कितना होगा 40 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम। सही बात है, हमारे पास मास दिया हुआ है और हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, मास और वॉल्यूम दोनों है, मास और वॉल्यूम दोनों चीजें हैं। देन डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है 200 ग्राम अपॉन 40 सेंटीमीटर क्यूब। सही बात है, तो अब जहां पर ये चीजें दी गई है, इंटू 1 ग्राम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं मैं,
सही है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, है ना, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो और आंसर आ जाएगा, सही बात है। तो ये फाइनल वैल्यू आपकी आ जानी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर आना चाहिए आपका, इसका आंसर आना चाहिए आपका 500 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है, 500 केजी पर मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट में दिस शुड बी योर आंसर, इजीली आ जाएगा। 1 ग्राम की जगह क्या पुट करोगे, 10^-3 kg, और 1 cm³ की जगह क्या पुट करोगे, 10^-6 m³, सही बात है। तो ये चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए, प्लीज राइट दिस डाउन, ठीक। चलो फाइंड आउट करते हैं कि 1 light year, राइट, ये जो यूनिट है हमने बोला था ये डिस्टेंस का यूनिट है, 1 light year किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस, बहुत लोग इसको कंफ्यूजन में रहते हैं इसको लेके कि ये लाइट ईयर लिखा है, ईयर इस वर्ड से ऐसा लगता है हमको कि ये टाइम का यूनिट होगा, पर ये नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए फिजिक्स में हमें बहुत काम पड़ता है, जैसे हम चांद तारों से लाइट्स, जैसे स्टार्स है, डिस्टेंस स्टार गैलेक्सीज, इनसे हम लोगों को जब भी कैलकुलेशन करना होता है तो हम लाइट ईयर या पारसेक, ये दो बड़े यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, डिस्टेंस के यूनिट यूज करते हैं, यूनिट्स यूज करते हैं। तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, कोई भी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सही बात है, वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो यहां पर भी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट ही ट्रैवल कर रही है, ये जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है, तो इसकी कुछ एक स्पीड है जो कि कांस्टेंट स्पीड है, हमें पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट क्या दिया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल सी से, है ना, ग्रीक लेटर, ग्रीस में कुछ बोला जाता है इसको। तो इसकी वैल्यू होती है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, सही बात है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर ये है तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट यहां रखेंगे, फिर टाइम, अब आपको बोला गया है कि लाइट ईयर, लाइट ईयर मतलब क्या, ये जो लाइट है, लाइट की रे पकड़ लो या फिर कोई फोटोन पकड़ लो, है ना, एक पार्टिकल पकड़ लो, अगर ये 1 साल तक चलती रही, है ना, 1 साल तक यहां से निकली तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन ये चलती जाएगी 1 साल तक, 1 साल मतलब क्या रेफरेंस, 365 days है 1 साल में हमारे पास, है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, इन टू टाइम, टाइम क्या है, 365 days इंटू 365 days। सो नाउ अगर ये ऐसा है तो क्या करेंगे, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू 365 days क्या हो जाएगा, 365 × 1 day, मैं किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, 365 × 1 day कर सकता हूँ ना, और हमें पता है कि 1 day में 24 आवर्स होते हैं, है ना, तो फिर वैसे ही करते जाएंगे, जैसे कि इसको वैसे ही लिखो, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 day मतलब 24 hours, ठीक है, फिर 24 hours, 1 hour में कितने होते हैं, 60 मिनट, और फिर मिनट को हटा के मैं लिख सकता हूं इंटू 60 seconds, तो मैंने क्या कर दिया, 365 days को, है ना, कन्वर्ट कर दिया कितने में, इतने सेकेंड्स में, ये सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 365 × 24 × 60 × 60, दैट वैल्यू विल बी द टाइम का वैल्यू इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में वो वैल्यू होगा। कुछ कंफ्यूजन है क्या, कि अगर आपको कन्वर्ट करना है 365 days को सेकेंड्स में, ठीक है, टाइम का यूनिट है ना वो, हमारा ऐसा यूनिट सेकेंड्स है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, फिर हमारा स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसको कर लिया हमने कन्वर्ट, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको आप मल्टीप्लाई करो घर पे जरूर, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है ना, खुद सॉल्व करो इसको, रफ पेज पे सॉल्व करो इसको, तो आपको वैल्यू आएगी आखिरी में, जब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे यहां से यहां तक,
सब है ना, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, ये सेकेंड्स और ये वाला सेकेंड्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 9.46 इंटू 10 to the power 15 meters, 10 to the power 15 meters, समझ में आया क्या? सो दिस इज वन लाइट ईयर. लाइट ईयर की जो डेफिनेशन है यहां से आपको उसको अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा है जो कि इतना आएगा मीटर्स में, समझ में आ रही है क्या बात? सो 9.46 इंटू 10 to the power 15 meters, ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो दिस इज वन लाइट ईयर, ठीक है, आ रहा है समझ में? लिख लो इसको.